नमस्ते, मैं डॉक्टर महालक्ष्मी वानखेड़कर साइंटिस्ट हूँ, आर्टिस्ट हूँ और मोटिवेशनल स्पीच भी देती हूँ और नेचर के लिए मैं लिखती भी हूँ। तो एक्चुअली बात ऐसे है कि मैं जब छोटी थी तब से मुझे नेचर का बहुत लगाव था, तो एक बोलते ना पर्यावरण प्रेमी वैसे ही मैं थी और जब बचपन से ही मुझे पंछी है पेड़ पौधे हैं वो प्रकृति से बहुत प्यार, और इसी पर ज़्यादातर मैं स्टडी करती थी क्योंकि हम लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ पर हमारा कोई भी नेबर्स नहीं थे, तो मेरे पिताजी ने पहले से ही हमको पेड़ पौधे बर्ड्स इसी में हमारे पिताजी ने हमको रखा था, तो उसके साथ हम लोग खेलते हुए बड़े हो गए और उसी के साथ मेरा अध्ययन भी शुरू हो गया। और कोई दूसरा कुछ पहले तो खेलना ही था अपने लिए, मोबाइल वगैरह तो नहीं थे, तो ये पर्यावरण के लिए जो काम करना था वो अपने आप हो रहा था। पेपर्स लेके उसके पेपर्स कटिंग करके वो पंछियों के पंख थे वो बनाना, फूल पेड़ पौधे बनाना, तो जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तब से मैं अच्छी तरह से कटिंग कर रही थी, और जब 4th स्टैंडर्ड में थी तभी पहली बार मैंने कैंची उठाई थी हाथ में, और फिर खुद को पता चला कि मेरे में ये स्किल है। और उसके बाद मैंने जो स्टडी किया तो फिर जे स्कूल ऑफ आर्ट में मैंने स्कूल टीचर का जॉब किया, स्कूल टीचर का मैंने कोर्स किया, उसके बाद जे स्कूल ऑफ आर्ट के बाद मैंने स्कूल में एज अ टीचर करके जॉब किया, और साइड बाय साइड मेरा पढ़ाई तो चालू था। उस वक्त पहले तो कुछ कंप्यूटर वगैरह तो थे नहीं, तो बुक्स वगैरह पढ़ना, फिर नेचर पर जाके उसका स्टडी करना, यही मेरा विश्व था। और पर्यावरण प्रेमी होने की वजह से मैं उसका अध्ययन भी कर रही थी। उसके बाद कई सालों के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया और साइड बाय साइड ये करते हुए मैंने पर्यावरण में पीएचडी की। तब मुझे पता चला कि पर्यावरण में पीएचडी इस तरह की करने वाली मैं पहली महिला हूँ भारत में। जी इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में। और जब मैं पेंटिंग्स कर रही थी तो पेंटिंग्स तो पहले स्टार्ट में तो पेंटिंग जो मैंने किए थे वो इंडियन कल्चर एंड आर्ट पर किए थे, तो मेरे कई सारे एग्जीबिशंस हो गए, लेकिन उस एग्जीबिशंस के बाद मैंने उसके बचपन से जो मैं पेपर कटिंग्स के कर रही थी, तो फिर बड़े होने के बाद उसके कटिंग्स में अच्छी तरह से जब कर रही थी तो मैंने फ्रेमिंग करना शुरू किया। और पंछियों का स्टडी करते वक्त जो पंछी जो बोलते ना अंडे से बाहर निकल के जब एज होने तक उसका पूरा स्टडी करती थी, फिर उसके चोंच अगर करनी होगी उसकी तो भी मैं कम से कम 100 चोंच उसकी देखती थी, और उसके बाद ही उसकी वो बिक बनाती थी, उसकी आंखें देखती थी एज वाइज उसकी आंखें कैसी चेंज होती है। फिर वो पंछियों से अब ऐसे हो गया इतना अध्ययन करने के बाद कि मुझे उसके मन की भाषा समझने लगी, क्योंकि पंछी बने बोले बिना मुझे समझ रहा है अभी। मुझे पेड़ पौधे जो है वो मुझे ऐसा लगता है मेरे से बात कर रहे हैं, तो ऐसे कई बार मुझे ऐसे अनुभव बहुत अच्छे आए हैं। और जब मैंने पंछियों का जब स्टडी किया तो उसमें मैंने पीएचडी करते वक्त बिल्कुल ये नेचर में जो छोटे छोटे कीटाणु है वो कीट बोलते ना छोटे छोटे बटरफ्लाई वगैरह है उससे लेके मानव तक पूरा स्टडी किया, हम किस तरह से इस निसर्ग से कनेक्टेड है, इस प्रकृति से कनेक्टेड है। वह मुझे जब अध्ययन कर रही थी और मैंने वेदों का बहुत स्टडी किया, मुझे पता है कि कई जन्म लेने के बाद भी मैं बावजूद भी मैं इसका स्टडी पूरा नहीं कर पाऊँगी, लेकिन वेद महापुराण ये सारे मैं अभी भी पढ़ रही हूँ, और उसमें जो अपने आरण्यक और वेदों में लिखे हुए ऐसे कई सारे है लिखे हुए, वृक्षायुर्वेद है, आरण्यक है, इनमें जो हमारे प्रकृति के लिए हमारे लिए जो बोलते हैं ना हमारे साधु संत ने जो कुछ हमें हमारे से हमें एक एडवाइस किया हुआ है, तो वह जो उन्होंने बताया हुआ है वो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, और यह हमारा जो संस्कार और संस्कृति है यह कितनी श्रेष्ठ है यह मुझे वो पढ़ने के बाद पता चला। और जब पर्यावरण पर मैं जब अध्ययन कर रही थी तब एक बात मेरे ध्यान में आई कि वो जो हमारे पंछी हैं यह सबसे मेन है जो ये पर्यावरण को बचाने वाले हैं, ये पर्यावरण का संतुलन करने वाले हैं, ये पंचतत्व का संतुलन करने वाले हैं, ये सारी सजीव सृष्टि में एक मेन जो है वो पंछी ही है। और पंछी जब मैं अध्ययन कर रही थी तब मेरे एक बात ध्यान में आई कि पंछी अगर हमें काला कौवा भी दिखता है तो वो काला नहीं होता है, उसमें कई सारे पंख होते हैं,
और वह पंख अनेक कलर के होते हैं। जब पंछी बना रही थी तो एक बात और ध्यान में आई कि ये पंछियों के जो पंख है उसके हर एक के पंख अलग होते हैं और हमें लगता है सब एक ही तरह के, एक तरह के नहीं, सर की कटिंग्स अलग होती है। हर की आंखों के पास से सर से लेके पैर तक उनके जो पंख है वह सब एक एक पंख अलग अलग होता है और वह पंख के नीचे भी कई पंख होते हैं कि जो ऊपर के पंखों को संभालते हैं, उनको संरक्षित करते हैं। इसका मतलब ये प्रकृति ने हमें जो दिया है वो ऊपर से संरक्षित करके हमें सभी को भेजा है, सारी सजीव सृष्टि को, लेकिन हम मानव यह पहचान नहीं पाए हैं। और इस प्रकृति के जो पंछी घटक है वह ऐसे घटक है जो ये पंचतत्व संतुलित करने वाले हैं। सिर्फ मानव एक ऐसा घटक है जो इसको विध्वंस करता है। तो हमें प्रकृति बचानी ही चाहिए। और इस प्रकृति के लिए जो देखिए हम औषधि जो लेते हैं, ऑक्सीजन से लेके औषधि तक हमें सारा प्रकृति देती है, लेकिन हम यह सोचते नहीं है। हम ऐसा कह सकते हैं कि पंछी बीमार नहीं पड़ते, पंछी भी बहुत सारे बीमार पड़ते हैं और इनकी बीमारी की मेन वजह अब मानव है जी। और ये अगर पंछी जो अभी कम जो अपने को दिखाई दे रहे हैं ये इसकी वजह भी मानव ही है, क्योंकि हम जो विध्वंसक प्रवृत्ति रख रहे हैं वो कभी पंछियों ने नहीं रखी है, कभी किसी प्राणियों ने नहीं रखी है। और इनको यह पता था कि औषधि और ऑक्सीजन सब हमें प्रकृति से मिल रहा है, इसलिए ये संवर्धन कर रहे थे, लेकिन हम वो संवर्धन नहीं करते हैं। हमें अगर मैं एक बात कहूँ तो शायद बुरी लग सकती है कि हम लोग इस दुनिया में मानव जो है वह ऐसे भगवान ने बनाया कि वो परिपूर्ण करके भेजा है। वो क्यों इतना परिपूर्ण किया है कि वह इस पृथ्वी को संतुलित करने के लिए सबसे बड़ा घटक है, लेकिन हम यह भूल रहे हैं। हम अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। एक्चुअली हमारा जो डेफिनेशन है ना, हमारी जो व्याख्या है वह हमें बदलनी चाहिए। क्यों बदलनी चाहिए व्याख्या? क्योंकि हम लोग गलत राह पर चल रहे हैं। हमारी मूल व्याख्याएं जो है वह साधु संत ऋषि मुनि ने की हुई है और धर्म नहीं, मैं किसी भी इसको धर्म नहीं कहूँगी, मैं सबको संस्कृति और संस्कार कहूँगी जो हमारे भारत देश में श्रेष्ठ है। और हमारा धर्म मतलब हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्म मतलब हमारा धर्म है। तो यह दुनिया ने समझकर अपने किसी भी इसमें जो आज विध्वंस हो रहा है वो छोड़ के, ये युद्ध हो रहे हैं यह छोड़ के, एक विश्व शांति के लिए सभी ने प्रार्थना यह करनी है मुझे कि सभी ने सिर्फ इस विश्व को बचाने के लिए इस निसर्ग को संतुलित करो, न कि खुद की संतुलित करो। अगर खुद को खुश रहना है तो इस विश्व शांति करना बहुत ज़रूरी है, और यह विश्व शांति करनी है तो इन पंछियों को बचाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि परागी भवन सिर्फ पंछी कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारे पंछी नामशेष हुए, और अगर यही चलता सिलसिला चलता रहेगा तो फिर हम भी नहीं बच पाएंगे। अगर वह नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बच पाएंगे। धन्यवाद। एक सवाल जी, कि कब से कब तक आपका ये एग्जीबिशन है मैम? अच्छा, यह एग्जीबिशन अभी मेरा 8वां एग्जीबिशन है जो अब नेहरू सेंटर में है। तो यह 15 से लेके 21 तक है, और मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे भी यहाँ पर आए और बड़े भी आए, क्योंकि यह एग्जीबिशन जो देखकर जाता है वापस आता ही है। क्योंकि इस एग्जीबिशन में ऐसा है कि हम लोग प्रकृति के बहुत नज़दीक जाते हैं, और इस प्रकृति में जो नामशेष हो रहे हैं पंछी तो वह देखने के लिए मिलते हैं। सच बात तो यह है कि यह पंछी बनाते वक्त मैंने बहुत सारे मुझे अनुभव हुए हैं, और बहुत सारे अनुभव कुछ खुशी के भी हुए, कुछ दुख के भी हुए। मतलब दुख के मतलब एक पहले बताती हूँ कि जब मैं जो वीवर बर्ड्स कहते हैं हम लोग जो ये करता है अपना नेस्ट जो बनाता है, तो वो बनाते वक्त मैं सच में बहुत रोई थी। वह इसलिए रोई थी कि मुझे बनाना नहीं आ रहा था, और मैं बहुत सारे वीडियोस देखे और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं क्यों नहीं बना पा रही। वो इतनी सी चोट से बनाता है और हमें 10 उंगलियां होकर हम क्यों नहीं बना पा रहे वो। तो उस वक्त मेरा जो ऐसा लग रहा था कि हम बहुत बड़े कलाकार हो सकते हैं या मानव बहुत श्रेष्ठ है, उस वक्त ऐसे लगा नहीं, ये सब झूठ है। हम बिल्कुल भी, जो शक्ति है, अद्भुत शक्ति ने यह बनाया है, उसके सामने हम कुछ भी नहीं, हम शून्य है। यह मुझे उस वक्त रियलाइज हुआ कि हम सच में शून्य हैं, क्योंकि वो पंछी भी हमसे श्रेष्ठ है। हम तो मानव कुछ भी नहीं कर रहे, और वो उनके सामने तो हम फीके हैं पूरे। हम खामखा अपने आप को श्रेष्ठ समझ के ये दुनिया बदलने जा रहे हैं, नहीं, यह गलत बात है। थैंक यू सो मच। थैंक है जो पूरे नेचर को दर्शाती है, एकदम ऐसा लगता है कि आप खुद जंगल में चले गए हो। सभी चीज़ों को बहुत डिटेल्ड वर्क बनाया गया है, 6-6 महीने लगे पेंटिंग को,
तो ये जो यूनिक कला है इनकी मैम की, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने भी अभी एक दौरा लिया, कैसा आपको लगा? एक बात बताना मुझे जरूरी चाहता हूँ, वो तो मेरी भांजी है, नज़दीक ही रहती है, वो एक अच्छी कलाकार है, यहाँ तक मुझे पता था। तो इतनी अच्छी कलाकार है जिसको ग्रीस लिम्का रिकॉर्ड में जिनका एक चित्र गया है, और आज अपना ग्रीनिश बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाने की आज तैयारी है। ये सब देखते हुए कोई भी अप्रिशिएट करेगा कि ऐसे प्रदर्शन अगर देखना बात अलग है, समझा के लेना बात और है। और समझा के लेगा, जैसा मैंने आज उल्लेख किया, एक इंच में 150 पीस बनाना कैंची से, ये आसान बात नहीं है। कोई भी अगर चैलेंज देखे कि आप तो आप नहीं कर सकते हैं, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20 कर सकते हैं, 150 तो नहीं कर सकते हैं। तो एक अलग सी कलाकृति है, और कागज़ से बनाई हुई कलाकृति है। जो भी आज यहाँ का पक्षी है, जिसके पंख कैसे होने चाहिए, उनका कलर क्या क्या होता है, वो जैसा उम्र बढ़ती जाती है तो उसका कलर में चेंज क्या होता है, ये सभी बातें इसमें लाई हैं। और हर एक देश के जहाँ से बाहर से आते हैं, बर्फ में होने वाले भी पक्षी यहाँ हैं, पंछी हैं, ये जंगल में रहने वाले तो होते हैं पंछी, झाड़ के अंदर रहने वाले भी पंछी हैं, अपना घर कैसा बनाते हैं, वहाँ अपनी निपज बच्चे की कैसे करते हैं, फिर कैसा खोला जाता है, ये नेचर के साथ जुड़े हुए लोग ही एक ये समझ सकते हैं कि हर उनका खाना क्या है। कि खनिज, वो एक पंछी देखा कि ज़मीन से अंदर जितने खनिज है उतना ही खाता है वो, ये कभी हमने सोचा भी नहीं है कि ज़मीन में खनिज है और वो खनिज खाने वाला भी कोई एक पंछी है, ये कभी हमने सोचा भी नहीं होगा। ये ऐसी बहुत उसका स्टडी है, ये खाली पेंटिंग नहीं है, खाली कलाकृति नहीं है, उसके लिए स्टडी है। इसलिए उनकी PhD भी हो चुकी है, और नेचुरोपैथी नेचुरोवेदा, और एक में महिला ऐसी है पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने ये सब्जेक्ट में PhD की है। इसलिए जितना भी उसका सराहना करनी चाहिए उतनी सराहना करना जरूरी है, उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। प्रदर्शनी का मतलब यही होता है कि हमने जो कुछ किया है लोग के सामने लाना है, लोग को समझाना है, और जब समझ जाएंगे तो एप्रिसिएशन होता है, और ये होना जरूरी है। थैंक यू। ये विशेष अलग है, लेकिन तुम एक मिनट भी ज़्यादा मैं उसमें नहीं बोलूँगा कि पॉलिटिक्स से यहाँ लाना भी मैं नहीं चाहता हूँ। ये तो पूरे महाराष्ट्र की एक बात है कि जिन्होंने आग लगा के, लोग कॉमन लोग क्या बोलते हैं, आचार संहिता लगती तो हमारा काम अभी नहीं होने वाला है। मंत्री लोग हो या हम हो या और कोई, खाली खुश कौन होते हैं? मंत्रालय में बैठने वाले जो प्रशासन है वो खुश होते कि अभी हमारे ऊपर दादागिरी करने वाला कोई नहीं होगा, जो भी 1-1.5 महीना है हमारी मर्जी से काम करेंगे। अगर काम हो रहा है, इवन गए एक हफ्ते से हम देख रहे हैं, हम सभी लोग पीछे पड़ते हैं, सेक्रेटरी के, मंत्री जी के, ये काम ये तारीख को लगेगी, अच्छा संहिता लगेगी, तो ये भाई हमें करना जरूरी है। मैम की जो कलाकृति है, पेंटिंग्स आपने देखी, बहुत डिटेल्ड वर्क है, नेचर से जुड़ा इस तरह का डिटेल वर्क शायद मैंने, शायद आपने भी नहीं देखा होगा। ये यूनिक जो इनकी प्रतिभा है, क्या कहना चाहेंगे मैम के बारे में और ये पेंटिंग्स के बारे में? आपने भी इनका झांकी देखी है, कैसा लगा? जी, डॉक्टर महालक्ष्मी वानखेड़कर जी ने, ये सालों साल की मेहनत है जी, आज कई सालों से, पिछले 25-30 साल से एक एक मिलीमीटर, एक एक पॉइंट 1 सेंटीमीटर से लेके आज 1 सेंटीमीटर तक के पेपर कटिंग करना, हजारों करोड़ों पेपर कटिंग करके एक पंख बनाना, एक पंख से एक पंछी बनाना, और उसकी पूरी के पूरी कलाकृति यहाँ पर तैयार करना, और उसमें उन्होंने जन्म से लेके वो जिस तरह से बड़े होते हैं, उनकी माँ किस तरह से उनका उनको बड़ा करती है, किस तरह से उन्हें दुश्मनों से छुपा कर कहीं ना कहीं पेड़ के नीचे या कहीं ना कहीं सेम कलर के ग्रास के नीचे उनको छुपा कर उनको बड़ा किया जाता है, उनको दुनिया किस तरह से दिखाई जाती है। एक तो इसमें है, दिखाया गया है, जिसमें पंछी पानी में अपने बच्चों को साथ में लेकर पूरी दुनिया घुमा कर
किस तरह से जीना है, किस तरह से बड़ा होना है, वो भी दिखाया गया है। तो इस तरह से बहुत अलग हटके कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पे अलग अलग रंगों की वजह से 2D 3D में तो ये कलाकृति है, और एक हटके नॉर्मली हम कलर्स देखते हैं या ड्राइंग देखते हैं, पर ये एक्चुअल में 3D में ये बनाए गए हैं और बहुत मेहनत ली गई है। एक एक बनाने के लिए, एक एक पेंटिंग या एक एक कलाकृति के लिए 1 साल से 2.5-3 साल वक्त दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा वक्त इसमें गया हुआ है, और इसलिए एक वक्त की कीमत मुझे लगता है बहुत बड़ी है। और इसलिए सरकार की तरफ से भी इस तरह की कलाकृति को प्रोत्साहन दिया जाए और उस तरह से इस तरह से कलाकृति को ऊपर उठाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। मैं लोगों को अपील करता हूँ कि नेहरू तारांगण में आप आए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस कलाकृति को आप देखें और उसको निहार। थैंक यू सर। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस तरह की कलाकृति जो हटकर है, आज इंटरनेशनल लेवल पर इसको कहीं ना कहीं देखा जाना चाहिए और सरकार की तरफ से भी इसको कहीं ना कहीं म्यूजियम उपलब्ध कराने के लिए सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई योजना आनी चाहिए। महालक्ष्मी नावातच आहे। आत्ताच आपला एक सण येऊन गेला, नवरात्र। नवरात्र म्हणजे महालक्ष्मीचा सण। स्त्रीला 2 हात असतात, पण मला शंका आहे त्या देवीला महालक्ष्मी नावातच 8 हात आहेत का, याची शंका आहे। आणि त्यांची ओळख आणि माझी ओळख सांगायची म्हटली तर त्या माझ्या 38 वर्षापूर्वीच्या शिक्षिका, आणि त्यांनी मी शाळेतून बाहेर पडायच्या आधी त्या 6 महिनेच मला त्यांच्याबरोबर मिळाले, आणि त्या 6 महिन्यात आम्ही नॅशनल अवॉर्ड मारले शाळेला, आणि त्याच्यानंतर शाळेला त्यांनी अनेक अवॉर्ड्स मिळवून दिले, अनेक अवॉर्ड्स मिळवून दिले, कधी त्यांनी मागे वळून बघितले नाही। आज 38 वर्ष आमचे चांगले घरोब्याचे संबंध आहेत। आज त्या जरी शिक्षिका असले तरी आज मैत्रिणीप्रमाणे आमचे सगळे घरचे संबंध आहेत। आणि त्यांचं एक दुसरं वैशिष्ट्य सांगायचं म्हणजे करोनामध्ये त्यांनी बरेच जणांचे प्राण वाचवले। आयुर्वेदावरती त्यांचा फार प्रचंड अभ्यास आहे। आयुर्वेदावरती त्यांनी त्यांचे स्वतःचे पती हॉस्पिटलमध्ये असताना त्यांनी दुसऱ्यांना मार्गदर्शन करून त्यांचे प्राण वाचवले। हे एक अद्भुत कला आहे त्यांच्याकडे, आणि त्यांना निसर्गप्रेम, आयुर्वेदावरती प्रचंड अभ्यास। तुम्ही कधी रात्री फोन करा, त्यांचा अभ्यास सतत चालू असतो। आणि तुमच्या चित्रांवरूनच सगळं एक एक बारीक बारीक कागद कटिंग करणं हे साधी गोष्ट नाही आहे। आणि त्यांना आपल्या भारत आपल्या महाराष्ट्र सरकारकडून 3 पेटंटसुद्धा मिळाले आहेत ह्या याच्यात, आणि डॉक्टरेट पदवीतीसुद्धा त्यांना मिळाली आहे असं एक। आणि आत्ता काही महिन्यापूर्वीच त्या स्वाईन फ्लू आणि डेंग्यू ह्या आजारामध्ये 1.5 महिना त्या बेडवरती होत्या, त्याच्यातसुद्धा त्यांनी ही कला आणि स्वतः बेडवरती राहूनसुद्धा थोडं थोडं काम करून, कारण का त्यांनी ध्येय ठेवलेलं की मला हे पूर्ण करायचं आहे। अशा डॉक्टर वानखेडेकर मॅडम यांना मी पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो।